हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ पेंसिल पाउच गाइस। और अभी तक मैं लेके आ रहा था आपके लिए पेंसिल बॉक्स, बट आज की वीडियो होने वाली है पेंसिल पाउच की गाइस। और टोटल मैं लेके आया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेंसिल पाउच लाया हूँ। 8 तो पेंसिल पाउच है और एक है बनाना हाउस गाइस, जिसे मैं बाद में दिखाऊंगा इस बनाना हाउस का काम क्या है दोस्तों। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे अच्छा और सबसे फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना प्रिंसेस। चलो अब मैं आपको 9 पेंसिल पाउच दिखाता हूँ, ये अंदर से कैसी और कितना स्पेस और कितना स्टडी मटेरियल आ जाता है। तो गाइस पहला है हमारे पास, ये है पबजी वाला पेंसिल पाउच। गाइस काफी अमेजिंग पेंसिल पाउच है, देख सकते हो दोस्तों, काफी खतरनाक पेंसिल पाउच है। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अलग टाइप की पेंसिल पाउच है। यहाँ पे हमें लॉक मिल जाता है, इस लॉक को ओपन करेंगे तो बिल्कुल इस तरह से ओपन हो जाएगा और मैट की तरह ये पेंसिल पाउच ओपन हो जाएगी, बिल्कुल मैट की तरह ओपन हो जाएगी। अब इसके बैक में देखते हैं इसके अंदर कितना स्पेस है। देखो दोस्तों ये स्पेस है और इसके अंदर तो हमारा स्टडी मटेरियल आ जाएगा। गाइस ये देखो, इसमें 1 2 3 4 5 तो खाचे दिए हैं, इनके अंदर काफ़ी अच्छा स्पेस है। गाइस स्टडी मटेरियल रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे हमें मिल जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 स्पेस है, लॉक है गाइस, और इसमें हम पेंसिल या पेन लगा सकते हैं दोस्तों। काफ़ी अमेजिंग ये पेंसिल पाउच है गाइस। कैसी लगी ये पेंसिल पाउच प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। तो पहली पेंसिल पाउच कुछ इस तरह की थी और इस पेंसिल पाउच को मैंने परचेज किया है 150 रुपीज़ की दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेंसिल पाउच दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट है गाइस, ये है प्रिंसेस की पेंसिल पाउच गाइस। काफ़ी अमेजिंग इसकी चैन देख सकते हो, कितनी मोटी कितनी अमेजिंग है गाइस। और इसका चाबी का छल्ला देख सकते हो, इसके यानी इस चैन का छल्ला, ये देखो स्टार बना हुआ है इसके चैन के छल्ले के ऊपर। काफ़ी अमेजिंग पेंसिल पाउच है और इस पेंसिल पाउच को मैंने 200 रुपीज़ की परचेज करी है। चलो मैं अंदर से दिखाता हूँ ये पेंसिल पाउच कैसी है। चलो इसे खोलते हैं इसके चैन को और ये देखो दोस्तों, ये देखो वाओ यार, देखो कितना सारा स्पेस है। और यहाँ में मिलता है 1 और 2 पॉकेट मिलते हैं, एक छोटा पॉकेट है जो नेट से बना है, सेकंड पॉकेट भी नेट से बना है। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है और काफ़ी अच्छा इसमें स्टडी मटेरियल भी आ सकता है गाइस। और इस वाले पार्ट में, इस वाले कंपार्टमेंट में हमें 1 2 3 4 5 6 पॉकेट मिल जाते हैं। इसके अंदर हम पेन पेंसिल को बहुत ही इजीली रख सकते हैं। और बैक साइड वाले तीसरे कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, लेदर लुक में, इधर बिल्कुल फॉर्म लुक में है ये। काफ़ी अमेजिंग पेंसिल पाउच है गाइस, ये देख सकते हो। कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। ये थी प्रिंसेस की पेंसिल पाउच गाइस। अब मैं दिखाता हूँ आपको यूनिकॉर्न की प्रिंसेस पाउच गाइस। और यूनिकॉर्न है इसके ऊपर, यूनिकॉर्न एक घोड़ा है जो रंग बिरंगा बहुत स्टाइलिश घोड़ा होता है गाइस। बैक साइड में भी आप देख सकते हो, इसके पीछे लिखा है ड्रीम बिग स्टार्ट स्मॉल गाइस। तो एक लाइन लिखी है बहुत ही अच्छे से, फ्लावर का डिज़ाइन बना है इस पेंसिल पाउच पे, काफ़ी अमेजिंग है। और इस चैन के छल्ले पे काफ़ी अच्छा लॉकेट है, दिल का लॉकेट है। इसमें 3-3 कलर है जो काफ़ी अमेजिंग और गुड लुकिंग बना रहा है। और इसकी चैन पिंक होने की वजह से काफ़ी गुड लुकिंग, काफ़ी अमेजिंग इस लुक आ रही है इस पेंसिल पाउच की दोस्तों। ये चलो अब इसे ओपन करते हैं और दिखाता हूँ ये कैसी पेंसिल पाउच है दोस्तों। तो चलो इसे ओपन कर लिया और इसके अंदर का स्पेस देखो, ये देखो बिल्कुल सेम स्पेस है जो हमारे प्रिंसेस की पेंसिल पाउच में स्पेस था। और इसमें देखो, बट इसका नेट काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे अकॉर्डिंग टू प्रिंसेस पेंसिल पाउच की। ये देखो इसमें काफ़ी अमेजिंग क्वालिटी, काफ़ी अच्छी है दोस्तों। 2-2 पॉकेट मिल जाते हैं और इस वाले में 1 2 3 4 5 पॉकेट मिलते हैं जिसमें हम पेन पेंसिल को रख सकते हैं गाइस। तीसरे कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है गाइस। इसमें देखो इतना गहरा स्पेस है जो हमारे प्रिंसेस की पेंसिल पाउच में स्पेस नहीं था गाइस। बहुत ही अमेजिंग और काफ़ी खतरनाक लुक है गाइस इसके, और काफ़ी अमेजिंग स्पेस भी है इस पेंसिल पाउच के अंदर। कैसे लगे प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेंसिल पाउच मैं दिखाता हूँ आपको, डोरेमोन का पेंसिल पाउच गाइस। और ये काफ़ी अमेजिंग, और डोरेमोन की फ़ोटो छपी है, उसके सारे दोस्तों की फ़ोटो छपी हुई है देखो दोस्तों। और कुछ इस तरह से करेंगे तो ये देखो नोबिता बन जाती है, और जब इस तरह से करेंगे तो सुजुका बन जाती है। तो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल पाउच है गाइस। बैक साइड में भी बिल्कुल सेम फोटो छपी हुई है, देखो अभी देखो नोबिता बन गया, अब सुजुका बन जाएगी, ये देखो सुजुका बन गई। तो काफ़ी अमेजिंग पेंसिल पाउच है गाइस। और इसके चैन के छल्ले पे स्टार बना हुआ है गाइस। चलो इसे ओपन करते हैं और अंदर से दिखाता हूँ कैसा दिखता है ये इसका इंटरफेस गाइस। तो ये देखो ओपन करते हैं, हमें यहाँ मिलता है 1 पॉकेट मिलती है, 2 पॉकेट नहीं है,
इसमें एक पॉकेट है जिसमें चैन दिया हुआ है और इसके अंदर स्टडी मटेरियल रख लेंगे, फिर हम अपने इस चैन से स्टडी मटेरियल को लॉक कर देंगे जिससे स्टडी मटेरियल नहीं निकलेगा। काफ़ी अमेजिंग स्पेस मिल जाता है, काफ़ी बढ़िया स्पेस है और इस जगह 1, 2, 3, 4 इस वाले कंपार्टमेंट 4 GB मिल जाता है जिसमें हम पेन पेंसिल या कुछ भी स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। और थर्ड वाले कंपार्टमेंट में थोड़ा कम स्पेस है बट अच्छा स्पेस है, बट इसमें मखमल यानी मुलायम नहीं है, ये थोड़ा खुरदुरा सा है बट कोई बात नहीं। और इस पेंसिल पाउच को मैंने परचेज किया है 160 रुपीज़ को, और इस वाले पेंसिल पाउच को मैंने 250 रुपीज़ की परचेज करी थी, और इस वाले डोरेमोन पेंसिल पाउच को मैंने परचेज किया है 160 रुपीज़ की गई। चलो अब नेक्स्ट पेंसिल पाउच दिखाता हूँ। तो ये है 12वीं की पेंसिल पाउच गाइस, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी प्यारी, और ये 100 रुपये की परचेज करी है मैंने केवल। चलो मैं ओपन करके दिखाता हूँ ये पेंसिल पाउच कैसी है दोस्तों। चलो ओपन कर लिया तो कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है इस पेंसिल पाउच के अंदर दोस्तों। ये देखो यहाँ पे एक चैन मिल जाती है और इस चैन में काफ़ी अच्छा स्पेस है इस पॉकेट में, इस पॉकेट के ऊपर चैन है और काफ़ी स्मूथ है इस चैन। और इस वाले कंपार्टमेंट में हमें 1, 2, 3, 4 GB मिल जाते हैं जिसमें हम अपने पेन पेंसिल को होल्ड करके रख सकते हैं। और तीसरे कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है दोस्तों, ये देख सकते हो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी प्यारा स्पेस है और काफ़ी मुलायम है इस वाला कंपार्टमेंट। ये वाला कंपार्टमेंट दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त पेंसिल पाउच है, और इस पेंसिल पाउच को मैंने 100% परचेज करी थी। कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। चलो रखते हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको बनाना हाउस। तो बनाना हाउस क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, बनाना हाउस होता है, ये है बनाना का घर, यानी जब हम जाते हैं पढ़ने तो हम बनाना लेके जाते हैं, तो लोगों के बनाना ख़राब हो जाते हैं तो इसमें हम बनाना रख लेंगे अपना और फिर उसे पैक करके ले जाएंगे, तो ये इसमें बनाना रहता है इसीलिए इसका नाम है बनाना हाउस गाइस। काफ़ी अमेजिंग बनाना लुक में ही है, अगर आप एक बनाना ले जाते हो तो दोस्तों अपने स्टडी स्कूल में या जहाँ पर भी जाते हो पढ़ने तो इस जगह बनाना रख लोगे, फिर हम इसे पैक करके बनाना ले जाएंगे, इसलिए इसका नाम है बनाना हाउस दोस्तों। चलो नेक्स्ट पेंसिल पाउच दिखाता हूँ। नेक्स्ट पेंसिल पाउच है दोस्तों, ये है फ्रोजन की पेंसिल पाउच गाइस, काफ़ी अमेजिंग है, काफ़ी प्यारी पेंसिल पाउच है गाइस, और इस पेंसिल पाउच को मैंने परचेज किया है दोस्तों केवल 170 रुपीज़ के। और इसके चैन के छल्ले के ऊपर देख सकते हो डिज़ाइन, बिल्कुल दिल वाला डिज़ाइन बना है जो हमारे यूनिकॉर्न के पाउच के ऊपर बना था, बट इसका लॉकेट काफ़ी बड़ा है और ये वाला नॉर्मल है। तो चलो अब ओपन करते हैं, तो चलो देखो चैन देख सकते हो, काफ़ी मोटी मोटी चैन है दोस्तों। चलो अब इसे ओपन करते हैं और अंदर का इंटरफेस देखते हैं। तो अंदर का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलता है गाइस। अंदर 2 पॉकेट मिल जाती है, 1 पॉकेट काफ़ी बड़ी है, 1 पॉकेट काफ़ी छोटी है गाइस, 2 पॉकेट मिल जाते हैं। और तीसरे कंपार्टमेंट में हमें क्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 पॉकेट मिल जाते हैं जिसमें हम स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है दोस्तों इस वाले पेंसिल पाउच के अंदर दोस्तों। चलो तीसरे कंपार्टमेंट में देखते हैं, तीसरे कंपार्टमेंट में काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है जो हम स्टडी मटेरियल रख सकते हैं। काफ़ी प्यारी पेंसिल पाउच है, कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके बताना। ये थी फ्रोजन की पेंसिल पाउच गाइस। चलो रख लेते हैं, अभी तक मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 पेंसिल पाउच दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ 7, 7वीं। ये है प्रिंसेस की पेंसिल पाउच गाइस, काफ़ी अमेजिंग है, लुक भी काफ़ी प्यारा है और बहुत ही सस्ती है, बहुत कम प्राइस में 80 रुपीज़ के मैंने ये प्रिंसेस पाउच खरीदा है गाइस। बैक साइड में प्रिंसेस की फ़ोटो छपी हैं, चैन देख सकते हो बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ है नहीं, और लॉक इसका लॉक भी बिल्कुल सिंपल है। चलो इस चैन को ओपन करते हैं दोस्तों। तो यहाँ देखो, यहाँ केवल हमें 2 कंपार्टमेंट देखने मिलते हैं। पहले कंपार्टमेंट में दोस्तों 2 जेब मिल जाती है, एक नेट की एक छोटी जेब है, एक काफ़ी बड़ी जेब है दोस्तों। ये देखो इसमें स्टडी मटेरियल आ जाएगा और इस वाले कंपार्टमेंट में स्टडी मटेरियल आ जाएगा गाइस। काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है देखने को हमें इस वाले पेंसिल पाउच के अंदर गाइस। ये देखो कुछ इस तरह का लुक है देखो, और केवल ये 80 रुपये की परचेज करी है मैंने दोस्तों इस प्रिंसेस पेंसिल पाउच को। चलो रख लेते हैं, अगले प्रिंसेस पाउच को ओपन करते हैं। इस वाले प्रिंसेस पाउच में देखते हैं दोस्तों हमें कैसा देखने को मिलता है इंटरफेस। तो बैक साइड में भी काफ़ी अच्छी अच्छी फोटो छपी हैं, यानी स्ट्रॉबेरी की, लॉलीपॉप की, आइसक्रीम की, काफ़ी अमेजिंग डिज़ाइन दिख रहा है इसका। ये कौन सी है, ये है डोरा गाइस, ये डोरा पेंसिल पाउच है गाइस, काफ़ी अमेजिंग है। और डोरा वाकई में बहुत ही प्यारी है, मेरी सबसे फेवरेट कैरेक्टर डोरा ही है दोस्तों। आपके सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन से है प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलो इसे ओपन करते हैं, ओपन करके देखते हैं इंटरफेस कैसा है इसका। अरे ओपन हो जाओ भाई, ओपन होने में थोड़ी सा टाइम लगा रहा है, इसलिए लगा रहा है टाइट हो गई बिल्कुल। तो सही से ओपन कर लेते हैं दोस्तों, गलत तो नहीं खोल रहा। तो चलो इसे ओपन कर लेते हैं दोस्तों, ओपन कर लिया और देखो इसे ओपन कर लिया, कुछ बिल्कुल सेम इंटरफेस है जो गाइस हमारी पेंसिल प्रिंसेस की पेंसिल पाउच के अंदर स्पेस था
बिल्कुल सेम पेंसिल इस वाल्डोरा वाले पेंसिल पहुंच के, बट इसके अंदर का स्पेस है ना, जो गहराई है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो प्रिंसेस पेंसिल पाउच से ज़्यादा है। देख सकते हो दोस्तों, काफ़ी अमेजिंग है यार। ये देखो स्पेस काफ़ी लाजवाब, काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। और इस पेंसिल पाउच को भी मैंने 80 रुपये की परचेज करी है दोस्तों। चलो और लास्ट पेंसिल पाउच ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें कितना स्पेस और क्या इतना स्टडी मटेरियल आ जाएगा दोस्तों। तो चलो, ये है मिक्की माउस का पेंसिल पाउच गाइस। बैक साइड में मिक्की माउस की फोटो छपी है, काफ़ी लाइट वेट है, ज़्यादा बड़ी पेंसिल पाउच नहीं है दोस्तों। तो चलो मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ ये कैसी पेंसिल पाउच है। तो बिल्कुल सेम पेंसिल पाउच जो हमारी डोरा या प्रिंसेस पाउच थी गाइस। ये देखो इसमें भी काफ़ी अच्छा स्पेस देखने को मिल जाता है, हमें दो पॉकेट मिल जाती है, नेट वाली पॉकेट है, काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है। तो ये थी हमारी 8 पेंसिल पाउच और 1 बनाना हाउस। आपको सबसे अच्छा पेंसिल पाउच कौन सा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। सबके प्राइस मैंने आपको बता दिए दोस्तों। ये तो मैंने 150 रुपीज़ की परचेज करी थी, ये मैंने 200 रुपीज़ की परचेज करी थी, 250 रुपीज़, 160 रुपीज़, 100 रुपीज़, और ये बनाना हाउस का प्राइस नहीं बताया था दोस्तों, इससे केवल मैंने 60 रुपीज़ का परचेज किया था, और इसे मैंने 180 रुपीज़ और बाकी 80 रुपीज़ की परचेज करी ये सारी पेंसिल पाउच गाइज। सो गाइज लास्ट अनाउंसमेंट, ये सारी पेंसिल पाउच तो मेरे किसी काम की नहीं है, क्योंकि मैं जाता नहीं स्कूल या स्टडी तो करता नहीं हूँ, तो ये पेंसिल पाउच मेरे नहीं हो सकते, मेरे काम की नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ इन सब का करेंगे हम गिव अवे, इन 9 पेंसिल पाउच को करेंगे हम गिव अवे। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत सा कमेंट करना पड़ेगा दोस्तों, साथ में ब्रैकेट में अपना नाम लिखना पड़ेगा, और गाइस आपको कमेंट करके बताना सबसे अच्छी पेंसिल पाउच कौन सी लगी, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी करना है गाइस। और ये वीडियो जब 3000 लाइक क्रॉस कर लेगी, जब 9 लकी विनर को ये वीवी फन की तरफ से पेंसिल पाउच दिए जाएंगे बिल्कुल फ्री गाइस, तो टारगेट सुन लो, इस वीडियो का लाइक का टारगेट है 3000 लाइक्स। जब क्रॉस हो जाएगी, जब 3 लकी विनर को वीवी फन की तरफ से ये पेंसिल पाउच दी जाएगी बिल्कुल फ्री में दोस्तों, तो फटाफट वीडियो को पूरी एंड तक देखो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अच्छा सा कमेंट करो विद अपना नाम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से वीडियो के साथ, अच्छे से स्नैक्स की अनबॉक्सिंग या ज्योमेट्री बॉक्स या पेंसिल पाउच या टॉय अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ। जब तक बाय बाय दोस्तों।